रोल नंबर 21। रोल नंबर 21। आ रहे सर, आ रहे। बेटा सो गया था क्या? सो नहीं रहे थे, बात कर रहे थे। किसके साथ बात कर रहा था? गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे थे। अब मुंह कहीं ताक रहे हो? अटेंडेंस लो। रोल नंबर 22। सर वो नहीं आया। कहीं नहीं आया? सर उसके पिछवाड़े में फोड़ा निकल आया। रोल नंबर 23। सर वो भी नहीं आया। कहीं उसका भी फोड़ा निकल आया का? सर जी उसका फोड़ा नहीं, पंख निकल आया। मतलब नई नई गर्लफ्रेंड बनी है बंदे की, तो घूमने गया है उसके साथ। एक हम ही है जो सिंगल बैठे हैं। बेटा जो लोग सिंगल होते हैं वो नौकरियां लेते हैं, और जो लोग रिलेशन में रहते हैं वो पप्पियां लेते हैं। कौन ले रहा है पप्पियां? सर जी हम ले रहे पप्पियां। बेटा मन लगा के पढ़ लो, खाली पप्पियां लेने से नौकरी नहीं पाओगे। नौकरी पाना भी कौन चाहता है सर, हम तो छोकरी पाना चाहते हैं। बेटा अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। मिल गई सर, मिल गई। क्या मिल गई? छोकरी मिल गई। और हमारे पास नौकरी तो क्या बकरी भी नहीं है। यार तुम लोगों को लड़की पटाने के अलावा कोई काम नहीं है का? सब लोग गर्लफ्रेंड ले घूम रहे हो। एक संस्कारी लड़का दिख जाए जिसके पास गर्लफ्रेंड ना हो। सर हमारे पास तो नहीं है गर्लफ्रेंड। वाह बेटा वाह, ये होता है संस्कार। शाबाश मेरे सिंगल लौंडे। अरे सर हम सिंगल नहीं, मिंगल हैं। मिंगल? लेकिन बेटा तूने बोला ना तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये बोल रहे थे कि हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड है। तो मीच बेटा, जब हम तुम्हें उम्र के थे ना तब हम भी रिलेशन में थे। तो आपका भी बॉयफ्रेंड था का? बॉयफ्रेंड नहीं था, गर्लफ्रेंड थी। अच्छा अच्छा उस वक्त प्यार में हम इतना मग्न थे कि लोग हमको मजनू बोला करते थे। फिर तो पत्थर भी पड़ा होगा। पत्थर नहीं पड़ा, डंडा पड़ा। कैसे पड़ा सर? एक दिन हम और हमारी गर्लफ्रेंड पार्क में घूम रहे थे। फिर उसके बाप ने हमको देख लिया। फिर जो डंडा पड़ा, आज तक ठीक से बैठ नहीं पाते हम। अरे यही बोल रहे, लड़की का चक्कर छोड़ दो, वरना लड़की के बाप ने अगर पकड़ लिया तो बेटा मारे जाओगे। अरे हमको मरने को औकात नहीं ससुर की। 3 साल से चक्कर चल रहा हमारा, पर आज तक उसको पता नहीं चला। अच्छा हाँ। और तो नोट देने के बहाने उनके घर में जाकर पप्पिया देख के आते अपनी गर्लफ्रेंड को, ससुर समझ नहीं पाता। अच्छा और नहीं तो का? एक नंबर का बेवकूफ है ससुरा, दिमाग में कुछ है ही नहीं उसके। वैसे कौन है वो बेवकूफ? अरे सर जी आप हो वो बेवकूफ, आप पे के बेटी से प्यार करता है ये। क्या तेरी तो?